आज हम ये देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम अपनी रोज की हाइट को, कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, और डिफरेंट रोज की हाइट को कम ज्यादा कैसे करेंगे और कॉलम्स की विड्थ को कम ज्यादा कैसे करेंगे। इसके अलावा किसी रो को हाइड करना हो, मींस छुपाना हो, किसी कॉलम को छुपाना हो, हाइड करना हो, और फिर उसको अनहाइड करना हो, या किसी शीट को, इससे रिलेटेड ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इस रो की हाइट देखें, रो देखें जिसे कहते हैं रो, ये एक कंप्लीट रो है, इस रो की हाइट को हमें बढ़ाना है, मतलब आप इसको यहाँ पूरी रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं है, आप किसी भी जगह पे अपना सेल पॉइंटर रखें इसी रो के अंदर, और उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाइए और इसको कहें रो हाइट। तो ये आपको बता रहा है इस रो की हाइट जो है 19.5 है, 19.5, जबकि इसकी डिफॉल्ट हाइट, मतलब अगर हम यहां से एक न्यू शीट ऐड कराते हैं, इंसर्ट और एक न्यू शीट, तो यहां पर जो शुरू से रोज बनी हुई होती है उनकी हाइट जो है वो तकरीबन डिफॉल्ट, उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट हाइट, वो होती है 14.4, पिछले वर्जन में 15 भी होती थी। अब आप किसी भी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहां से इसकी हाइट को 14.4 की बजाय 20 कर देता हूं, तो इसकी हाइट बढ़कर 20 हो जाएगी, और अगर मजीद बढ़ाना चाहता हूं तो फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक करूंगा और उसकी मैं 40 कर देता हूं, और इसकी रो की हाइट 40 हो जाएगी। तो एग्जैक्ट पॉइंट्स के हवाले से आप इसकी हाइट को यहां से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहां आऊं शीट के ऊपर, तो मैं इसकी हाइट को भी बढ़ा सकता हूं, फॉर्मेट रो हाइट, और यहां से मैं इसकी 50 कर देता हूं, तो इसकी हाइट एकदम 50 हो जाएगी। पर अगर कम करना चाहूं, तो अब कम करने के लिए मुझे पिछली वाली हाइट याद होनी चाहिए, पिछली कितनी थी। तो अगर मैं एक आइडियली लिखता हूं फॉर्मेट रो हाइट और उसको मैं कहता हूं 20, तो ये 20 की हाइट पर सेट हो गया। अच्छा, अब बाजू का ऐसा होता है कि एक रो की हाइट आपने इतनी बढ़ा तो दी, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि इसको एक्चुअल हाइट कितनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हाइट कितनी चाहिए, इस हाइट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन भी है। सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन इस टर्म में कि मिसाल के तौर पर मुझे तो पता नहीं इसकी हाइट कितनी कितनी कम करूं, तो यहां पर आप आएंगे ना, जब रो के ऊपर आएंगे और यहां से आप यहां आएंगे तो रीसाइज मोड में कर्सर आ जाएगा। देखिए, ये रो पर आए और ये इस रो का रीसाइज मोड में कर्सर आ गया। यहां पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक, तो ये ऑटो फिट करेगा, क्या करेगा, तो इसको जितनी जगह रिक्वायर्ड होगी उतनी दे देगा। ठीक है, अच्छा, आपने एक रो की हाइट ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, यहां पर आए और यहीं से इसको पकड़ लिया ड्रैग करके, अब आप बढ़ा दें, यानी कि होल्ड करके पकड़ लिया, जितनी बढ़ा दी ऐसे बढ़ा दें। बट अगर आप एग्जैक्ट हाइट को कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो फिर फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक करेंगे और उसकी एग्जैक्ट हाइट को एंटर करें। सपोज टू बी आपने 10 एंटर कर दी तो कम हो गई, अब आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने रो हाइट बढ़ाई, आपने 30 डाल दिया तो ज्यादा हो गई, तो यहां से भी वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए, ऑटो फिट रो हाइट, जो इसकी रो की हाइट को उतना फिट करेगा जितना के टेक्स्ट को जगह रिक्वायर्ड होगी। जब इसको ऑटो फिट करेंगे तो इसको इतनी जगह रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, ये एक टेक्स्ट है जिसका साइज है ये, अब इसके लिए जगह कम पड़ रही है, तो जब आप इस पे क्लिक करके कहेंगे ऑटो फिट रो हाइट, यहां से ये यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो इसको उतनी हाइट दे देगा जितनी की इसको रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप रो की हाइट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक रो की हाइट को कर सकते हैं, एक साथ काफी सारी रोज की हाइट को भी कर सकते हैं, उतनी रोज को सिलेक्ट कर ले, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, और उसको जाके फॉर्मेट और रो हाइट में वो पर्टिकुलर एंट्री डाल दें। सपोज आपने यहाँ पे 25 की एंट्री कर दी, ओके कर दिया, अब ये सारी रोज की हाइट कितनी हो गई, 25 पॉइंट्स हो गई। ओके, तो अब इसके बाद हम आते हैं कॉलम की विड्थ के ऊपर, कि कॉलम की विड्थ को हम किस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारे सामने डिफरेंट कॉलम्स हैं और इनकी विड्थ को हम कैसे ज्यादा करेंगे। सपोज अभी मैं यहां से एक न्यू शीट ऐड करा लेता हूं, एक इंसर्ट न्यू शीट कर रहा हूं मैं, यहां से एक शीट आ गई। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि शुरू से कॉलम की विड्थ कितनी होगी, तो आप जाएंगे फॉर्मेट में और यहां से आएंगे सेकंड ऑप्शन में जिसका नाम है कॉलम विड्थ। तो ये आपको बता रहा है बाय डिफॉल्ट, यानी कि शुरू से कॉलम की विड्थ होती है 8.11। अब किसी कॉलम की विड्थ को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कॉलम की विड्थ को इजीली यहां से वैल्यूज को कम ज्यादा करके उसको कम भी कर सकते हैं और उसकी चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो किस तरह से आप कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करेंगे, कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसकी वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी इसकी विड्थ है 8.11, तो आप इसकी विड्थ को बढ़ा दें, सपोज आप कर दें 12, तो अब इस कॉलम की, यानी कि जिस कॉलम पर आपका ये सेल पॉइंटर है, इस कॉलम की विड्थ को आप ओके करके यहां से बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अब इसकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ चुकी है।
और अगर कम करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करें, अब आपने 12 की थी, अब इसको कम करके सपोज आप 3 कर दें, ओके कर दें, तो ये कॉलम की विड्थ कम हो गई। इस तरह से आप कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर आप किसी शीट पर मौजूद है और उसमें इस कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो इस कॉलम के राइट साइड पे, हर कॉलम के राइट साइड में और उसके अगले कॉलम के लेफ्ट साइड के बीच में जो लाइन है, यहां जब आएंगे तो ये आपका कर्सर रीसाइज मोड में आ जाएगा, जिसके बाद आप इसको पकड़ के यानी कि क्लिक करके होल्ड कर लें और फिर इसको आगे ड्रैग करके बढ़ा भी सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करने का, पर इससे हमें ये अंदाजा नहीं होता हम कितनी कॉलम की विड्थ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, पर हम अपनी आइडियली इस चीज को इस तरह से अचीव कर लेते हैं। इसके बाद अगर मुझे अंदाजा नहीं हो रहा इस कॉलम की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, तो मैं यहां डबल क्लिक करके जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा इस कॉलम का उसके मुताबिक ये कॉलम सेट हो जाएगा, ऑटो फिट, डबल क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटो फिट हो गया। अच्छा, अब यही कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करने का काम हम यहां से कर सकते हैं, कॉलम विड्थ, और इसको हमने कम कर दिया सपोज 1 पे कर दिया, तो इसकी कॉलम की विड्थ कम हो गई क्योंकि मेरा सेल पॉइंटर यहां था, अगर मेरा सेल पॉइंटर यहां होता तो ये होता, और अगर इसको मुझे ऑटो फिट करना है तो फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करके भी ये काम मैं कर सकता हूं। अब अगर हम बात करें डिफॉल्ट कॉलम विड्थ की, मतलब जब भी मैं एक न्यू शीट ऐड कराता हूं, यहां से एक न्यू शीट ऐड कराता हूं, तो उसकी कॉलम की विड्थ 8.14 है, सबकी ऐसे ही होता है। अच्छा चले, मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं यहां से एक्सेल को, न्यू एक्सेल की एक वर्कबुक को लोड करता हूं, तो उसमें भी जितने भी कॉलम है और जितनी भी शीट है उसके अंदर जितने भी कॉलम है सबकी विड्थ एक ही है, और अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फॉर्मेट और यहां से कहूंगा डिफॉल्ट विड्थ। अब कितनी है 8.11, मैं इसको सेट कर देता हूं 9, और क्या करूंगा, ओके अब मैं कर देता हूं क्लोज एक्सेल को। अब जब भी मैं एक्सेल को खोलूंगा और फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ पे कितनी आ रही है 8.11, यानी कि न्यू एक्सेल की वर्कबुक पे तो वही आएगी जो इसके अंदर से पैरामीटर पहले से सेट हुए हैं, लेकिन अगर मैं एक क्लिक पर इन सारे कॉलम्स की, मतलब इसमें 3 शीट्स मौजूद है और जितनी शीट्स में आगे ऐड कराऊंगा उनके अंदर सबके कॉलम की विड्थ एक साथ कम या ज्यादा करना चाहता हूं, तो मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि मैं फॉर्मेट में जाऊं और डिफॉल्ट कॉलम विड्थ पे क्लिक करूं और उसके बाद इजीली यहां पे न्यू एंट्री, चाहे मुझे बढ़ाना है या कम करना है, ओके कर दूं, तो एक साथ सारे कॉलम, मतलब इसमें जितने कॉलम है सबकी विड्थ को बढ़ा देगा इस शीट की। और अगर दूसरी शीट पे जाके करूंगा तो उसमें भी मुझे ये करना पड़ेगा, सपोज डिफॉल्ट कॉलम विड्थ और मैंने यहाँ पे 2 की एंट्री कर दी और उसको कहा ओके, तो ये सारे कॉलम उसने छोटे कर दिए, ठीक है। तो डिफॉल्ट कॉलम विड्थ यानी कि पूरे शीट के कॉलम्स की विड्थ को कम या ज्यादा करने के लिए। इसी तरह कॉलम विड्थ के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है हाइड एंड हट हाइट का। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई शीट है, सपोज टू बी मैं एक और शीट की बात कर रहा था, तो मैं शीट पहले खोल लेता हूं, उसके अंदर ये शीट है आपके पास ना। अब इस शीट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज है, मैं चाह रहा हूं ये 2 कॉलम बीच में से हाइड हो जाए, क्या हो जाए, हाइड माने डिलीट नहीं, छुप जाए। तो मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और यहां से कहा हाइड, क्या हाइड करना चाह रहा हूं मैं, कॉलम, देखिए रोज पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी, पर आप क्या कह रहे हैं हाइड कॉलम, तो ये दोनों कॉलम हाइड हो गए। देखिए आप ए बी सी और सी के बाद डायरेक्टली कौन सा रहा है, और यहां पर भी देख लें सिद्धी और पार्क स्टडी जा रहा है, वो 2 आ ही नहीं रहे, समटाइम जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से अब इनको वापस लाना है, तो एक इसका पिछला कॉलम और एक उसका नेक्स्ट कॉलम, दोनों को सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जाके हाइड एंड हट हाइट में जाके, आपने जब हाइड करना था तो क्या कहा था, हाइड, और जब वापस लाना है तो आप क्या कहेंगे, अनहाइड कॉलम्स। जैसे अनहाइड कॉलम्स करेंगे ये आपके सामने वापस आ जाएंगे। इसी तरह से रोज को हाइड करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूं ये दोनों रोज जो है हाइड कर दूं, तो मैं किस तरह से इसको हाइड करूंगा, इसको हाइड करने के लिए फॉर्मेट में जाके, यानी जिस रो को मुझे हाइड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल इस रो को और इस रो को हाइड करना है 1027 और 1028, 1027 एंड 1028, या फिर इन इस रो को सिर्फ इसको करना है, या फिर इन तीनों रोज को हाइड करना है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, देखिए मैं सिलेक्ट कैसे कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। इस तरह से सिलेक्ट करने में क्या होगा, ये पहले कॉलम से लेके आखिरी कॉलम तक सिलेक्ट होगी, और इस तरह सिलेक्ट करने से क्या होगा, ये रो सिर्फ ये 3 सेल ही सिलेक्ट होंगे, बात एक ही है, फंक्शन एक ही होगा, लेकिन सिलेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। फॉर्मेट में जाएंगे और आप इससे कहेंगे हाइड 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 रो, तो ये देखें, देखिए 7 के बाद डायरेक्टली 11 की एंट्री नजर आ रही है आपको रो नंबर में, और ये 3 रोज बीच की हाइड हो गई है।
इस तरह आप मल्टीपल रोज को हाइड भी कर सकते हैं, और वापस लाने के लिए आप यहां से पहली वाली एंट्री और उसके बाद वाली एंट्री दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आप सिलेक्शन इसको ऐसे भी बना सकते हैं और सिलेक्शन ऐसे भी बना सकते हैं, और फॉर्मेट में जाके हाइड में जाके कहेंगे अनहाइड रोज, तो देखेंगे 7, 8, 9 रोज दोनों वापस आ गए। इसी तरह से आपके पास काफी सारी शीट है, आप देख रहे हैं पेरोल एफ है, शीट 1 है, इंडेक्स है, शीट 3 है, सर्च है, मैं इस शीट को हाइड करना चाहता हूं, तो दो तरीके, राइट बटन दबाएं और यहां से कह दें हाइड, हाइड हो गई। एक तरीका ये है कि मैं पेरोल इसको हाइड करना चाहता हूं फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड, और इस टाइम मैं पूरी शीट ही हाइड करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा हाइड, ये हाइड शीट। अब मुझे तो पता नहीं कि मेरी कौन कौन सी शीट हाइड है, क्योंकि जो भी एक नई एक्सेल की वर्कबुक को अभी हम दोबारा खोलेगा इस वर्कबुक को, उसको तो पता ही नहीं होगा इसमें कौन कौन सी शीट हाइड है, तो चेक कैसे करें कौन कौन सी शीट हाइड है, क्योंकि ये तो वो शीट्स है जो हमारे सामने विजिबल है, अब वो शीट कौन सी है जो इस टाइम हाइड है, उसको देखने के लिए हम करेंगे फॉर्मेट, और यहां से कहेंगे हाइड एंड अनहाइड, और यहां से कहेंगे अनहाइड रो, रोज की वापस लाने के लिए, अनहाइड कॉलम, कॉलम को वापस लाने के लिए, और अनहाइड शीट, तो आपको दिखाएगा ये अनहाइड शीट बॉक्स के अंदर ये वो दो शीट्स हैं जो इस टाइम हाइड है, और ये वो तमाम शीट्स हैं जो आपके सामने मौजूद है, तो जो आपको वापस से इस पे क्लिक करें ओके, वंस अगेन इसको रन करें ऑप्शन को अनहाइड शीट, और जो आप एक रह गई उसको भी ओके कर लें, अब ये दोनों आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप रोज एंड कॉलम्स की हाइट विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसी तरह से आप शीट्स को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, जिस तरह हम मल्टीपल रोज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इन तमाम कॉलम्स की विड्थ कम करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करें फॉर्मेट में जाएं और कॉलम विड्थ में जाएं और उसकी एंट्री कर दें 4 फॉर एग्जांपल, तो अब इन सारे कॉलम्स की विड्थ जो है 4 पॉइंट हो गई, बाकी की वही है जो उसकी थी। इसी तरह सिर्फ इन रोज की आप जो है ना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट में जाएं और यहां से कहें रो हाइट, और इसकी एंट्री 14 की है, सपोज इसको 30 करना चाहते हैं तो इसको ओके कर दें, तो ये देखें सिर्फ इसकी एंट्री जो है, यानी कि इन सेल्स की एंट्री कुछ इस तरह है, बाकी वो अपनी पर्टिकुलर रो की तरह ही है जैसे कि वो पहले थे। सही है, इस तरह से आप रोज की हाइट और कॉलम की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं।